दुर्घटना के जिम्मेदार कौन, केजरीवाल सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, जीवन का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम इधर खड़े हैं, आप ज्ञापन दिलवाते कह रहे हैं कि 65 लोग मिसिंग है। अरे भैया कितने दिन घर से बाहर गायब रहेगा? अगर परिवार में भी झगड़ा होता है, झगड़ा तो 2 दिन के बाद वो घर रिटर्न होकर के आ जाता है। तो जो मिसिंग है वो कहाँ है? जल करके मर गए हैं। कोई सबूत नहीं, कोई कंपनी का लाइसेंस नहीं, कोई वहां पर सुरक्षा कानून नहीं, किसी भी तरह की नहीं है। तो उसके द्वारा जो उस एरिया का जो बीट कांस्टेबल है, जो इस एरिया का जो पुलिस महकमा है, उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का आप कहते हैं, दिल्ली पुलिस का या कोई डिफेंस का मरेगा, हम 1 करोड़ रुपया देंगे उसको। मजदूर मर गया तो 10 लाख रुपया देंगे आप उसको? या आप कहते हैं हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए सोच रहे हैं आप? नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, इस वक्त हूँ मैं दिल्ली सचिवालय के सामने। यहाँ पर तमाम मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ में एक आंदोलनकारी हैं, उनसे ही हम सीधे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी। जी सर, क्या है पूरा मामला, हमें बताइए संक्षिप्त में। देखिए 13 तारीख को मुंडका में आग लगी थी, जिसके अंदर प्रेस के अनुसार 36 को भी 40 कह रहे हैं। उस फैक्ट्री में 250 से 300 वर्कर काम करते थे, जिसके द्वारा कम से कम 80 से 90 की तो वहाँ पर डेथ है ही है। अभी भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर वो दिख रहा है कि वहाँ पर अभी भी अवशेष मिल रहे हैं। परिवार सामने आ रहा है कि हाँ जी हमारा बेटा नहीं मिला, हमारे पत्नी नहीं मिली, यहाँ तक कि बच्चे आ रहे हैं कि जी मेरी मम्मी नहीं मिली, हमारी फोटो आप उनको दिखाती, मम्मी देखी तो पहचान कर आएगी। सवाल इस बात का कि औद्योगिक घटनाएं हो रही है, सजा क्यों नहीं मिल रही है? एक तो जेल में तो डालिए भाई, क्या हिंदुस्तान में IPC सेक्शन खत्म हो गया? IPC सेक्शन नहीं लगती है ना? अगर एक आम आदमी लड़ ले आपस में जमीन जायदाद में या किसी भी चीज में लग जाए, पुलिस उसको उठा क्या कर दिया, तिहाड़ जेल में डाल देती है। बेल कराने में आपको 6 महीने लग जाएंगे, केस कराने में आपको 10 साल लग जाएंगे, जमीन आपके घर जमीन भी बिक जाएगी। इतने बड़े हादसा हो गया, सिर्फ आप 304A में नेग्लिजेंसी में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, बिलेबल सेक्शन है, थाने से SHO शाम के 5 बजे उसको बेल दे देता है और परिवार है जो भटकते रहता है। तो हमने जो प्रदर्शन किया, अभी हमने सुबह मनीष सिसोदिया के घर पर प्रदर्शन किया था और आज हम यहाँ पर ज्वाइंट ट्रेड यूनियन के अल्टरनेट ट्रेड यूनियन की तरफ से हम दिल्ली सरकार के ऑफिस पे आए हैं और यहाँ पर भी हम यही मांग कर रहे हैं कि आप मैनेजमेंट को गिरफ्तार कीजिए, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज करिए और उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। इन केसों को दिल्ली सरकार परसू करे और सुरक्षा प्रधान चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है। रियासी कॉलोनी है, रियासी कॉलोनी तो कंपनी कैसे चल सकती है? आप दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं, आप मैंने घर से अगर 2 फुट पे अगर मैंने छप्पर बनाकर रखा है, बुलडोजर आज छोड़ रहा है, बेसमेंट से लेकर के 3rd फ्लोर तक बिल्डिंग कैसे बनेगी? MCT का अफसर क्या भांगा के सोया हुआ था? शराब पी के सोई हुई थी? दिल्ली का पुलिस अफसर कहाँ था? वहाँ पर कहाँ गया हुआ था? बड़ा सवाल है कि जब बिल्डिंग पूरी बन जाती तब तक पूरी प्रशासन शासन की कोई निगाह नहीं होती है, बनने के बाद में प्रशासन जब हड़कम में आता है, जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अगर हादसा ना हो तो प्रशासन नहीं आएगा हादसे में। तो सवाल है कि सिर्फ मरते रहेंगे मजदूर, सवाल सिर्फ मजदूर का नहीं है ना, सवाल हिंदुस्तान के इस नागरिक का है कि अगर कोई मरता रहेगा और आप फाइन दे देंगे, जुर्माना दे देंगे, आपने राशि घोषणा करके एहसान कर दिया आपने। दिल्ली पुलिस का आप कहते हैं, दिल्ली पुलिस का या कोई डिफेंस का मरेगा, हम 1 करोड़ रुपया देंगे उसको। मजदूर मर गया तो 10 लाख रुपया देंगे आप उसको? या आप कहते हैं हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए सोच रहे हैं आप? जान की कीमत भी, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति के आधार जान की कीमत सिर्फ इन्होंने पैसे से तय कर रखा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। पीछे शीला दीक्षित की सरकार रही, अब आम आदमी पार्टी क्या है, आने वाले टाइम पे कौन आएगा हमें नहीं पता। आने वाले जो आदमी घटना के बारे में बताया, वो 13 मई की घटना है, 13 मई की घटना है। 14 मई को हम लोग वहाँ गए थे, हमने देखा वहाँ पर बिल्डिंग कैसी बन रही है। बिल्डिंग को आजकल, पहले एक चलन था कि भाई प्लास्टर करते थे, पेंट करते थे, आज ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। रियासी कॉलोनी में भी हो गई, उदो किला में फाइबर के सीट से उसने दीवार को ढक रखी थी, आग नीचे से लगी, फाइबर के सीट फैलती हुई चली गई, जैसे प्लास्टिक चलती है ना वैसे फाइबर की सीट चल गई, वर्कर फैल गए, वर्कर फंस गए, धुएं से दम घुटा और नहीं तो बेहोश हो गए, मर गए। जो बच पाए कूदे, जो किरने वाले थे वो निकाले, लेकिन सवाल है कि हादसों का जिम्मेदार कौन है? अथॉरिटी आपके पास है, डिपार्टमेंट आपके पास है, ये मामला कौन से इंडस्ट्रियल एरिया का? मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, मुंडका में पड़ता है, मुंडका रियासी एरिया है, रियासी कॉलोनी के अंदर कंपनियां चल रही है और उस तरह का लीगल बिल्डिंग लाइन से देखेंगे मुंडका में ऐसे मिल जाएंगे, मुंडका में क्या पूरे दिल्ली में मिल जाएंगे इलीगल तरीके से। जैसे परपड़गंज उद्योगी किला है, आपका जमुना पर जाइए, इसमें कैसे इलीगल तरीके से बिल्डिंग चल रही है। तो मतलब क्या आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, क्या आपकी मांग होना चाहिए मजदूरों को लेकर? देखिए सबसे पहले डिमांड हमारी है कि जितने ये मालिक को
सबसे पहले कि इसको सजा होनी चाहिए, दिल्ली सरकार इन केसों को परसू करे, ऐसी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए, दिल्ली के श्रम मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो भी अफसर इस घटना में संलिप्त है, जिनके द्वारा जिनकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का अफसर हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो फायर का हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट को, सबको टर्मिनेट कर देना चाहिए नौकरी से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, मांगे पूरी जहां जहां पर स्ट्रगल है वहां वहां पर इसको हम इसको रोक लगा दीजिए। जैसे मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, नारायणा है, कीर्ति नगर है, 95% स्ट्रगल के द्वारा ट्रेड यूनियन वहां पर इस तरह की इंजीनियर को रोकवा दीजिए, क्योंकि यूनियन ने आप एक लाइन लिया कि जो भी फाइबर की सीटों से या वुड की सीटों से जो कंपनियां ढकी हुई है उसका बाकायदा फोटो खींचेंगे। भैया बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले आप एमसीटी से परमिशन लेते हैं ना, दीवार बनाने की, कमरे बनाने की, तो आपने कौन सी परमिशन ले ली? आप फर्श ना लगा करके आप वुड की और फाइबर की सीटें लगाएंगे तो इससे तो घटनाएं घटेंगी ना। तो ये लेकर के उद्योगिक इलाकों के अंदर कैंपेन चला रहे हैं और इस पे मांग करेंगे, नहीं होगी तो हड़ताल करेंगे, चक्का जाम या केजरीवाल का घर घेरेंगे, मनीष सिसोदिया का घर घेरेंगे। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तमाम मजदूर संगठन जो दिल्ली सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अनलीगल तरीके से आपके घर क्या क्या करे, फुट का छाता है, एमसीटी वाले बुलडोजर लेकर क्या रहे तोड़ रहे, वो बिल्डिंग कोई एक दिन में तो बनी नहीं होगी, बेसमेंट बनी हुई है, मेट्रो के बिल्कुल ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड के साथ में यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हुई है। मैं जो आग फैली उसकी फैलने का कारण को समझे, जो उसका छत था ना उसने उसकी फाइबर के सीटें से उसने ढकी हुई थी। लोहे का आजकल का चलन बन गया है फैक्ट्री के इलाकों के अंदर कि प्लास्टर नहीं कराई जाती दीवारों को, चुनाई करा दी जाती है, हल्का प्लास्टर करके लोहे का पाइप दे करके लकड़ की या फाइबर की या एल्युमिनियम की सीटों से उसको ढक दिया जाता है दीवारों को। तो एल्युमिनियम के सीट से नहीं ढकी हुई थी, लकड़ के भी सीट से नहीं ढकी हुई थी, वो फाइबर के सीट से ढकी हुई थी और बड़े बड़े जो उसके दरवाजे थे वहाँ पर शीशे लगे हुए थे। आग जो फैली नीचे से उस आग के चलते उसमें धुआं फैला, धुएं के अंदर से चारों पूरे कंपनी अंधेरे के अंदर आ गए, लोग दम दम घुट घुट करके मर गए। उस बिल्डिंग के अंदर एक ही दरवाजा है जिसके द्वारा आप जा सकते हैं, जिसके द्वारा आप निकल करके आ सकते हैं, कोई वहां पर सेफ्टी का कारण नहीं था। 40-36 का आंकड़ा कह रहे हैं जो क्राइम रिपोर्टर अखबार का जिसके उसने जब तक अपनी न्यूज फाइनल करी कोई 26 बोला, कोई 25 बोला, कोई 30 बोला, लेकिन वहां पर अभी भी जाए अभी वहां भी अवशेष निकल रहे हैं, लोगों के जले हुए अवशेष निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि 65 लोग मिसिंग है। अरे भैया कितने दिन घर से बाहर गायब रहेगा? अगर परिवार में भी झगड़ा होता है, झगड़ा तो 2 दिन के बाद वो घर रिटर्न होकर के आ जाता है। तो जो मिसिंग है वो कहाँ है? जल करके मर गए हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कंपनी का लाइसेंस नहीं, कोई वहां पर सुरक्षा कानून नहीं, किसी भी तरह की नहीं है। तो उसके द्वारा जो उस एरिया का जो बीट कांस्टेबल है, जो इस एरिया का जो पुलिस महकमा है, उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए। फायर का तो सवाल है ही है। सबसे जो बड़ी बात जो आ रही है, जो फैक्ट्री के अंदर किसी वर्कर की मौत हो जाती है या हाथ कट जाता है, 304 लगा देते, नेग्लिजेंसी लापरवाही लगा देते। इस तहत के द्वारा 307 लगना चाहिए, 307 के तहत लगना चाहिए। और इन तमाम केसों के अंदर आज तक 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 2022 के अंदर हम यहाँ पर खड़े हैं। दिल्ली सरकार या पुलिस का कोई भी महकमा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक ये बता दे कि जितने फैक्ट्रियों के अंदर दिल्ली क्षेत्र के अंदर किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी मजदूर की मौत हुई हो तो हमने उसको सलाखों के अंदर कोर्ट में सजा दिलवाई हो, जजों से नहीं दिलवाई है। लेबर कमिश्नर, दिल्ली का चीफ लेबर कमिश्नर से हम लोगों ने मिले थे, लेबर कमिश्नर के सामने मैंने ये बात रखी थी कि सर अगर औद्योगिक इलाकों के अंदर शांति चाहिए तो वर्कर का हाथ कटा या वर्कर की मौत होती है, मालिकों को जेल के अंदर डालिए, देखिए तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सुधर जाएंगे मालिक। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया या बिल्कुल सही कह रहे कि अगर हम एक मालिक को अभी 15 दिन के लिए भी अगर तिहाड़ जेल के अंदर हम डाल देते हैं तमाम मालिकों को सुधर जाएंगे, लेकिन उसने एक बात कही कि सेशन कोर्ट सजा नहीं देता, फाइन ले लेता है वहां पर, आप लड़ जाइए 107-103 का मुकदमा बनकर आपको 6 महीने के अंदर अंदर डाल देगा, जेल के अंदर डालेगा। वहां पर 40 मजदूर के 70-80 मजदूर वहां पर मरे हुए जिसकी शिकायत नहीं हो पाई, वो कहां गया, सामान खा गया, जमीन के अंदर निकल गए, टोटल लिपापोती हो रही है उसके अंदर। जो भी अफसर है, अभी हमने सुबह सुबह 7:30 बजे हमने मनीष सिसोदिया दिल्ली का जो श्रम मंत्री, हमने उसके घर पे प्रदर्शन किया सेवन डी के द्वारा, वहां से हम लोग यहाँ चल करके आए। ये सारे सवाल है, सवाल सिर्फ फाइन का नहीं है, सवाल है कि सजा क्यों नहीं मिल रही है, क्या कोई मर गया तो उसको पैसा दे दो आप? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या है? अगर उम्र कम है तो पैसा बढ़ेगा, उम्र ज्यादा है तो पैसा घटेगा उसके अंदर, तो यही और क्या है उसके अंदर? लेकिन जिसके परिवार का कोई वारिस नहीं मिला, उसका कोई आइडेंटिफाई नहीं मिला, जो मिसिंग हो गए उसका वर्कमैन कंपनसेशन में कहां से दोगे भैया? तुम 50 लाख रुपए का, तुम 10 लाख रुपए का तुम घोषणा कर रहे हो, 50 दिन में तुम घायलों को दे रहे हो, सबसे पहले तो लेने वाला कोई वारिस तो सामने आए, पहले ये तो प्रूफ करे कि हाँ जी हमारा आदमी था, हमारी बीवी थी, हमारा बेटा था, हमारा बेटी थी, हमारी पत्नी थी, हम कंपनी में कर जाओ, तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन के द्वारा मुकदमा दे दोगे या जो अपने घोषणा करो घोषणा के आप राशि दे दोगे? ये तमाम सवाल है कॉमरेड, हमारी मांग होनी चाहिए
जो भी उस डिपार्टमेंट के, चाहे फायर का हो चाहे दिल्ली पुलिस का अफसर हो, अब छज्जा बनाते हैं पुलिस वाले पहुंच जाते हैं 10,000 रुपए नहीं देगा तेरा छज्जा नहीं बने तुमने जोरवा दूंगा, ऐसी बन गई वहां पर तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के, तमाम रिहायशी कॉलोनियों के अंदर सारी कंपनियां चोरी से चल रही है, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर दिल्ली में 36 औद्योगिक इलाके हैं तो 36 औद्योगिक मिला के 10-15% लोगों के पास लाइसेंस है, बाकी सबके पास लाइसेंस नहीं है। अप्रूवल की गई है लेकिन उनको भी क्लियरेंस नहीं मिली है। हमारी पहली मांग होनी चाहिए कि जो भी सबसे पहले कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, जो इस औद्योगिक दुर्घटना के अंदर मालिक तो हमेशा गिरफ्तार होता है भाई, कौन नहीं गिरफ्तार होता, 24 घंटे से ज्यादा पुलिस लोग का मैं रख नहीं सकती, एमएम के बाद पेश करेगी, मेडिकल करेगी, तिहाड़ जेल के अंदर डाल देगी। लेकिन एक बात बताता हूँ, मालिक और मजदूर का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस उसको इमीडिएटली मजिस्ट्रेट सामने पेश करके तिहाड़ जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन ये घटना के अंदर अभी तक एक भी मालिक को जेल के अंदर नहीं डाला गया, जाहिर सी बात है इसके अंदर भी लिपापोती होगी उसको बेल मिल जाएगा। ये सारे सवाल है कॉमरेड, 2-4 नारे लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, फैक्ट्री में मजदूरों की मत, मालिकों को सजा क्यों नहीं किया, जरूर सरकार जवाब दो। मजदूरों की सुरक्षा में जो खिलवाड़ की जा रही है, तमाम लोगों की अभी जान गई है, अभी 13 मई को 45 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात बताई जा रही है और 65 से ज्यादा लोग लापता बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा। लेकिन यहाँ पर मजदूरों का आरोप है और जो मजदूर लीडर है उनका कहना है कि लापता 1-2 दिन रहते हैं, ये नहीं कि 5-5-6-6 दिन लापता रहे। तो औद्योगिक दुर्घटना के जिम्मेदार कौन, केजरीवाल सरकार जवाब दो। साथियों, राजेश जी ने एक बात कही, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, सर फैक्ट्री में गैर कानूनी काम होगा उसको आप अलाउ करेंगे, ये अलाउ नहीं कर रहा, ये अलाउ नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम अलाउ होगा। हमने गेट छोड़ दिया और क्या, गेट छोड़ दिया, देखिए हमने गेट छोड़ दिया, हमने गेट छोड़ दिया, गेट का है। लेकिन आप कहेंगे हम यहाँ से आ जाएंगे, हमने ये खड़ंजा छोड़ दिया, सर एक बार मीटिंग खत्म हो जाने दीजिए, सबका जानकारी दे देंगे आपको। पहली बार हमारा इंकलाबी मजदूर केंद्र है, ये ठीक है ना, इनका F2 न्यू है, F2 सर्वहारा है, मजदूर एकता कमेटी है, मजदूर एकता केंद्र है, ठीक है ना, ये संगठनों का नाम है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग मनीष सिसोदिया को ज्ञापन देने आए हैं, कहीं ना कहीं वो भी, उनकी जो जिंदगी है उनका भी संदिग्ध मामला है, उनकी भी मौत हो सकती है लेकिन प्रशासन इसे छुपा रहा है। तो आप तमाम अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए जनता आवाज, इस वीडियो से इतना ही, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। Thank you.